हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरजे टिक्स पे। दोस्तों फाइनली टेनोर ने अपना एक नया फोन लॉन्च कर दिया है जो कि बजट सेगमेंट फोन होगा, जिनका नाम इन्होंने रखा है टेनोर डी। और प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग काफी कम है। 2GB 16GB वाला वेरियंट आपको 4999 रुपये में मिल जाएगा, 3GB 32GB वाला वेरियंट आपको 5999 रुपये में मिलेगा। सेल जो स्टार्ट हो रहा है वह 5 जनवरी 2018 से अमेजोन पे दोपहर के 12 बजे अभी आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और ये जो है डायरेक्ट कंपेयर करेगा Redmi 5A से। जी फ्रेंड्स, तो देखने वाली बात होगी ये ज्यादा सेल होगा या फिर Redmi 5A। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 5.2 इंच का जो है HD का स्क्रीन मिल जाता है, 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, स्नैपड्रैगन 425 क्वाड कोर का प्रोसेसर, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात है। 5000 रुपये में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। 13 MP का रियर कैमरा दिया गया है विद फ्लैश, 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। और यहाँ पर Redmi 5 की बात करें तो स्पेसिफिकेशन काफी हद तक आपको सेम मिल जाता है। जल्दी से दोनों का एक कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंट इन दोनों में मिलता है। तो यहाँ पर Redmi 5 में जो आपको 1.4 GHz क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर मिल जाता है, वहीं टेनोर डी में भी आपको जो है 1.4 GHz क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों में आपको 2GB 16GB वाला वेरियंट, 3GB 32GB वाला वेरियंट देखने को मिलता है। केवल और केवल यहाँ पर प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ Redmi 5 में आपको 3GB 32GB वाला वेरियंट 7000 यानी कि 6999 रुपये में देखने को मिलता है, वहीं टेनोर डी में आपको 5999 रुपये यानी कि 1000 रुपये कम देखने को मिलता है। और यहाँ पर Redmi 5 में जो है आपको एक शर्त है 2GB 16GB वाले वेरियंट में, यहाँ पर 500,000 यूनिट 2GB 16GB वाला वेरियंट जो है सेल होगा, उसके बाद इसकी प्राइसिंग जो है बढ़ जाएगी, 5999 रुपये हो जाएगी। वहीं टेनोर डी में जो आपको 4999 रुपये में मिलता ही रहेगा। यहाँ पर दोनों ही जो है माइक्रो एसडी कार्ड को अलग से सपोर्ट करते हैं, यानी कि डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं और ये जो है आप 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। Redmi 5 में आपको 5 इंच का जो है डिस्प्ले मिलता है, वहीं टेनोर डी में आपको 5.2 इंच का जो है डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही डुअल सिम को सपोर्ट करते हैं, दोनों में आपको 13 MP का रियर कैमरा विद फ्लैश मिल जाता है, 5 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, दोनों में आपको 4G वीएलटी देखने को मिलता है। पर यहाँ पर Redmi 5 में जो है आपको इन्फ्रारेड सेंसर देखने को मिलता है, वहीं टेनोर डी में आपको इन्फ्रारेड सेंसर देखने को नहीं मिलता है। पर यहाँ पर टेनोर डी में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और Redmi 5 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिसिंग मिलता है। और यहाँ पर बैटरी की बात करें तो टेनोर डी में आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वहीं Redmi 5 में आपको 3000 mAh यानी कि 500 mAh जो है कम बैटरी देखने को मिलती है। तो यही कुछ मेजर डिफरेंट है दोनों में। Redmi के काफ़ी सारे सर्विस सेंटर आपको आपके एरिया के आसपास देखने को मिल जाते हैं, वहीं टेनोर के जो है काफ़ी लिमिटेड सर्विस सेंटर है। Redmi के ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे सर्विस सेंटर है, टेनोर के जो है ऑल ओवर इंडिया में 32 या फिर 35 सर्विस सेंटर है। यानी कि ऐसा हुआ आप टेनोर डी का फ़ोन खरीदे या फिर टेनोर का कोई भी फ़ोन बाय करें तो आपका घर जो है पश्चिम में है और जो है आपका सर्विस सेंटर पूर्व में कहीं दूर पे है। उसके अलावा आप इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बाय करना चाहेंगे, अगर आपका बजट 5000 या फिर 6000 का है तो नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।